हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना, शबाना किचन में आपका इस्तकबाल है। आज मैं ना मेरी बेटी के ननन के लड़की के शादी में गई थी, तो आज ना आते समय वहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश हमको रास्ते में मिल गई है ना। तो हम लोगों की शादी हो गई पूरी। मैं शादी का वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन दुल्हन एक तरफ थी, दूल्हा एक तरफ था। गर्दी बहुत हो गई थी, बहुत ही आवाज़ हो रही थी इसके लिए, और बारिश का मौसम चालू हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन हम लोग जब रास्ते में निकले तो इतनी ज़ोरों से बारिश थी कि सामने का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने ये जो तिरंगा होटल है ना, उसमें रुक गए थे। ये रेस्टोरेंट ना अंदर से बहुत लकड़ियों से बना हुआ है। लकड़ी है, बाम्बू है, बाम्बू का छत है ना, और ईंट वगैरह जो है ना बाहर से निकाली हुई। ईंटों को देखो, इधर ऐसे ऑरेंज सा कलर दिया हुआ है। तो ये लकड़ी का है छत वगैरह, अंदर से लकड़ियों के टेबल है, लकड़ियों की चेयर है। तो मैं बोला चलो आज इसका वीडियो बनाती हूँ। देखो बच्चों के लिए खेलने के लिए भी स्लाइडिंग वगैरह, हॉर्स वगैरह हैं, जंपिंग है। देखो ये बाहर का नज़ारा है, यहाँ पे भी बारिश ज़्यादा हो रही थी, डक वगैरह है, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि ना बारिश ही बहुत जोर में थी। तो हम लोग ने बोले कि चलो आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं, है ना। क्योंकि आते समय मतलब जब हम शादी के अंदर थे ना, तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो गर्मी की वजह से कभी कभी ठंडा खाने को भी मन करता है, लेकिन रास्ते में बारिश मिल गई। अब हमारा खाने का मन था, लेकिन ना हम लोग जल्दी पहुंच गए थे वहाँ पे, 6 बजे ही पहुँच गए, तो खाने का टाइम तो था ही नहीं। क्योंकि दोपहर में हमने दाल चावल वगैरह खा लिए थे। देखिए वेटर भी आ गया था, वेटर को हम लोग ऑर्डर कर रहे थे आइसक्रीम का, और उसको बताया कि अभी खाना भी खा के जाएंगे शायद अगर टाइम हो तो। लेकिन सब ने डिसाइड किया कि अभी बहुत जल्दी खाना हो रहा है, अभी घर जाके ही खाएंगे, तो इसलिए सिर्फ आइसक्रीम मंगाई। जो मेरे हस्बैंड थे ब्लू शर्ट में, ये देखिए जो बैल की जोड़ी खड़ी है ना, तो इसका भी मैंने निकाला। ये मम्मीज़ वगैरह के जैसे बना के रखा हुआ होता है, सिरेमिक का वगैरह, पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ होता है। देखिए बारिश की बूंदे कांच के ऊपर, कैसे बारिश की बूंदे दिख रही, क्योंकि बाहर से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, हमने जो ना एसी का हीटर चालू कर दिया था क्योंकि सामने से कांच थोड़ी साफ़ हो जाए, जो धुआं धुआं होता है ना उसका फोक वगैरह चढ़ जाता है, तो वो साफ़ कर रहे थे, है ना। तो देखिए इस तरह से मैंने कांच नीचे लेके थोड़ा सा बाहर का नज़र आपको दिखा रही, क्योंकि इस साल ना गर्मी बहुत तेज़ थी, 45 43 40 ऐसे ही डिग्री, हर जगह पे अलग 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 डिग्री थे गर्मी के। तो हमारे इधर अहमदनगर में भी बहुत गर्मी थी। ये हम लोग बारामती से आ रहे थे, नगर से बारामती जाने के लिए 3 घंटे का रास्ता लगता है ना, 3, ये जैसे पुणे इतना ही है, तो ये पुणे साइड में ही आता है। तो यहाँ से ना हमारे को नगर से 120 किलोमीटर है। तो इस तरह से हम लोग बारामती की शादी वादी करके और रिटर्न आ रहे थे, क्योंकि जाना तो ज़रूरी था। 2 3 दिन पहले मैंने वो भी आपको वीडियो डाला होता है, वहाँ पे गाने वगैरह, मेहंदी का प्रोग्राम होता है, हल्दी का प्रोग्राम होता है।